नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत का खेल। यूपी पूर्वांचल के बड़े माफिया बाहुबली नेता पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला जवनपुर से नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। आज हम आपको इस वीडियो में श्रीकला सिंह के बारे में आप सभी को बताएंगे और उनके राजनीतिक सफर के बारे में भी आपको बताएंगे। श्रीकला रेड्डी तेलंगाना के अमीर परिवार से आती हैं। वह निप्पो समूह घराने की बेटी हैं। श्रीकला के पिता का नाम जितेंद्र रेड्डी और माता का नाम ललिता रेड्डी है। श्रीकला के पिता स्वर्गीय जितेंद्र रेड्डी राजनीति से जुड़े हुए थे और वह तेलंगाना से विधायक भी रह चुके हैं। वहीं इनकी माँ गांव की सरपंच रह चुकी हैं। आपको बता दें कि श्रीकला अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। श्रीकला ने हैदराबाद से बीकॉम की पढ़ाई किया और इसके बाद अमेरिका से आर्किटेक्चर इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स भी किया है। हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई जैसे शहरों में श्रीकला का प्रोजेक्ट चल रहा है। आपको बता दें कि 2017 में यूपी के माफिया बाहुबली नेता जौनपुर जिले के पूर्व सांसद धनंजय सिंह से श्रीकला ने शादी किया। यह शादी फ्रांस की राजधानी पेरिस में संपन्न हुआ। उनके शादी में कई बड़े बड़े नेता पहुँचे। श्रीकला के पति माफिया बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह जौनपुर से सांसद और विधायक रह चुके हैं। यूपी पूर्वांचल की राजनीति में श्रीकला के पति धनंजय सिंह का बड़ा नाम है। जौनपुर के जिले में उनका बड़ा दबदबा माना जाता है। हाल ही में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में जौनपुर के सिकरारा वार्ड से बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में आ गई और इस चुनाव में श्रीकला एक तरफा भारी मतों से चुनाव में जीती। इसके बाद धनंजय सिंह ने अपने दमदारी और बाहुबल के दम पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में श्रीकला को जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया और उन्होंने अपनी ताकत का एहसास करा दिया। वर्तमान में श्रीकला सिंह जौनपुर जिले से जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। श्रीकला के जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए जाने से उनके समर्थक काफ़ी उत्साहित हैं। वहीं श्रीकला जौनपुर जिले में महिलाओं के लिए एक उभरती हुई नेता मानी जा रही हैं। तो ये रहा दोस्तों श्रीकला सिंह के बारे में, जो कि जौनपुर जिले से वर्तमान नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें ज़रूर बताएँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।